जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं अपनी शंकाओं के निवारण के लिए या जो कुछ जानते हैं उसको और दृढ़ करने के लिए। आज का पहला प्रश्न है कि तीर्थंकर की माता कितनी विदुषी होती हैं कि ऐसे भावी तीर्थंकर को जन्म देती हैं। भगवान की जो माता होती हैं, जैसे कहा जाता है कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो जिसकी माता इतनी ज्ञानी वो कितना ज्ञानी होगा। इस प्रकार से भगवान की माता के बारे में जब गर्भ में शिशु वृद्धिंगत होता है और उनकी सेवा में आई हुई देवियां अत्यंत गुण और मनोरंजक प्रश्न माता से पूछती हैं, और जब वो माता उनका सुंदर समाधान करती हैं तो सारी देवियां हर्षित होती हैं। एक प्रश्न किया उसमें, कह पंजर मध्यास्ते कह परुष निस्सुनः कह प्रतिष्ठा जीवानां कह पाठ्योक्षरच्युतः। ये प्रश्न है कि पिंजरे के बीच में कौन रहता है, किसका स्वर कठोर होता है, कौन कहां पर जीव रहता है, और कौन जो अक्षर से च्युत होने के बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें माता उत्तर देते हुए कहती हैं, शुकः पंजर मध्यास्ते काकः परुष निस्सनः लोकः प्रतिष्ठा जीवानां श्लोका पाठ्योक्षरक्षतः। यानी पिंजरे के अंदर तोता होता है और जो कौआ होता है उसका स्वर कठोर होता है, और इस लोक में ही जीव रहता है, और श्लोक में वो आधा अक्षर होने के बाद में भी उसका उच्चारण करना संभव होता है। इस प्रकार से वो माता उनके समाधान करती हैं। वो जब इस प्रकार के समाधान वहाँ पर माता करती हैं तो वो बड़ी हर्षित होती हैं, और उस समय कहती हैं कि आप इतनी ज्ञानी हैं तो आपका जो शिशु आगे चलकर के तीर्थंकर होगा इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ पहले लिपिबद्ध हुआ। षटखंडागम और कषाय पावन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि षटखंडागम सबसे पहले लिपिबद्ध माना जाता है, लेकिन जो विद्वान हुए हैं जिन्होंने दोनों ग्रंथों का अध्ययन किया उसमें उन्होंने कषाय पावन को प्राचीन माना है, जिसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का भी मत है। एक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नेमीचंद हुए हैं, परमानंद शास्त्री जी हैं डॉक्टर राजाराम, पंडित हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री, छुल्लक जिनेन्द्र वर्णी और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री, इन सभी के मत के अनुसार कि जो भाषा कषाय पावन की है वो लगभग 100 वर्ष प्राचीन है षटखंडागम से। इसलिए भले ही कहने में आता है कि सबसे पहले लिपिबद्ध षटखंडागम हुआ है, लेकिन उसके पहले कषाय पावन लिपिबद्ध हो चुका था। ये बात अलग है कि षटखंडागम के ऊपर पहले टीका धवला लिखी गई और कषाय पावन के बाद की ऊपर टीका जय धवला बाद में लिखी गई। णमोकार मंत्र षटखंडागम के जो रचयिता हैं उन पुष्पदंत आचार्य के द्वारा निबद्ध है, लेकिन एसो पंचनमोयारु किसके द्वारा रचित है, तो इसके बारे में कि ये प्रतिक्रमण पाठ में भी ये आता है, और प्रतिक्रमण पाठ गौतम गणधर के द्वारा रचित माना जाता है। आचार्य भट्टकेर के मूलाचार में भी थोड़े से अंतर के साथ में ये एसो पंचनमोयारु पाठ मिलता है। तो इसमें यदि अपन गौतम गणधर स्वामी का रचित प्रतिक्रमण पाठ के आधार पर बोलें तो इसकी रचना गौतम गणधर स्वामी ने की है। अगला प्रश्न है कि किसी मंदिर के मूल नायक क्या बाहुबली भगवान हो सकते हैं। मंदिर के मूल नायक तो बाहुबली भगवान नहीं हो सकते,
बाहुली भगवान के तीन कल्याण कुएं हैं, वहां पर तीर्थंकर ही कोई मंदिर के मूल नायक हो सकते हैं। आप लोगों को शायद विदित होगा कि गोमटेश्वर में भी वहां पर मूल नायक भगवान बाहुबली भगवान नहीं है, वहां पर नेमिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में हैं। किसी अलग वेदी पर मंदिर में वहां पर बाहुबली भगवान की वेदी अलग से हो सकती है, लेकिन उस पर कोई और कोई अन्य तीर्थंकर ना हो, इस प्रकार से उनको वहां पर अलग वेदी पर तो एक मूल नायक कह सकते हैं, लेकिन मंदिर के मूल नायक बाहुबली भगवान नहीं होते। अगला प्रश्न है, जन्म समय में तीर्थंकर के क्या क्या चिन्ह दिखाई देते हैं? जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय में दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, और उस समय में मानो गुणों का ही अनुकरण होकर के प्रजा हर्षित हो गई है, देव आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और कल्प वृक्ष भी प्रफुल्लित होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। उस समय में देव दुंद भी बचने लगती है, शीतल सुगंधित पवन भी चलने लगता है, और पृथ्वी भी कंपित होने लगती है, मानो आनंद से नृत्य कर रही है। समुद्र की लहरें भी सीमा से बाहर अपने परम आनंद को सूचित करती हैं। जो चार निकाय हैं वहां पर कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं, जिसमें भवनवासियों के यहाँ पर शंख बजने लगते हैं, व्यंतरों के यहाँ पर भेरी की आवाज आने लगती है, ज्योतिष लोक में सिंहनाद होने लगता है, और कल्पवासी देवों के यहाँ पर घंटे बजने लगते हैं। उस समय सौधर्म इंद्र का आसन भी कंपित हो जाता है, उसका मस्तक भी झुक जाता है, और उस समय में वो अवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके जयवंत हो कहते हुए परोक्ष में उनको उस दिशा की ओर बढ़ करके वहां पर 7 कदम जाकर के उनको नमोस्तु करता है। तो इस प्रकार से आगे भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर को वहां पर द्रव्य की अपेक्षा से वहां पर नमोस्तु करता है। अगला प्रश्न है कि ऐरावत हाथी की रचना किस प्रकार होती है? ऐरावत हाथी की जो रचना होती है वो देवों के विक्रिया से होती है, उसमें आभियोग जाति के जो देव रहते हैं उनके लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने आभियोग के दास समाना वाहन आदि कर्मणि प्रवृत्ता है, तो वो अपनी विक्रिया के माध्यम से उसका निर्माण करते हैं। उस ऐरावत हाथी के 32 मुख होते हैं और उसमें प्रत्येक मुख पर 8-8 दांत होते हैं, उन दांतों पर एक एक सरोवर होता है, उसमें 1 कमलनी और 32 कमल होते हैं, और उसके प्रत्येक पत्ते पर 32-32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं। इस प्रकार से इसमें हाथी के 256 दांत हो जाते हैं, 8192 इसमें कमल होते हैं, और 262164 कमल पत्र, और 83,88,608 देवांगनाएं उन पर नृत्य करती हैं। ऐसा जो विक्रिया के माध्यम से इतना और 1,00,000 योजन उसकी ऊंचाई होती है, ऐसा ऐरावत हाथी होता है। अगला प्रश्न है, अंतकृत किसे कहते हैं? अष्टकर्मणां अंतम विनाशम कुर्वन्ति इति अंतकृतः। जो अपने 8 कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो अंतकृत कहलाते हैं। तो ये अंतकृत जो होते हैं इनकी वाणी नहीं फिरती, और प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 अंतकृत जो कि घोर उपसर्ग जीत करके अंतकृत केवली बनते हैं, उसमें भगवान महावीर के काल में नमी, मतंग, सौमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किस्किंबल, पालंब, अष्टपुत्र, ये भगवान महावीर के काल में ऐसे 10 मुनिराज हुए हैं। अगला प्रश्न है, अंतरकरण क्या होता है? अंतरकरण
एक साधना के माध्यम से अपने कर्मों में वहाँ पर कुछ ऐसे स्थानों को उत्पन्न किया जाता है जिसमें कि उन कर्मों का कोई प्रभाव ना पड़े। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से जैसे उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव, क्योंकि मिथ्यात् कर्म के निषेध हैं पूरे में बिछे हुए हैं, तो उस समय में अपनी आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपने उन कर्मों में कुछ बीच में अंतर मुहूर्त के लिए वहाँ पर उन कर्मों को आगे पीछे कर दिया जाता है। जैसे सरोवर में पानी पीने के लिए कोई गया है और वहाँ पर काई जमी हुई है, पत्ते बिछे हुए हैं, तो उस समय में दोनों हाथों से उसको दूर करके और अंजलि को जैसे भरा जाता है, वैसे उन कर्मों का वहाँ पर अंतरकरण कहलाता है। उसके माध्यम से वो उतने समय तक उन कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, तो ये अंतरकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, उपवास के कितने भेद होते हैं और इसके अतिचार कितने होते हैं? उपवास के दो भेद होते हैं, एक तो नियत काल के लिए लिया जाता है, बेला तेला आदि जो किए जाते हैं, और एक जिसका कि कोई सीमा नहीं होती है, आजीवन के लिए जिसका त्याग कर दिया जाता है संलेखना के समय में। इस प्रकार के दो भेद होते हैं। एक इसका भेद अपन ऐसा भी लगा सकते हैं, जैसे कोई उपसर्ग आदि के समय में वो उपसर्ग का यदि निवारण हो गया तो हम आहार ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं ग्रहण करेंगे, ये भी अपन एक प्रकार से भेद उसमें समझ सकते हैं। इसमें अतिचार के बारे में कि जो उपवास करते हैं तो उस उपवास में आहार दान की क्रिया में भी अपने लिए लीन नहीं होना चाहिए, तो उसमें दूसरों को कराना ये भी उसका अतिचार है। फिर दूसरों को कराने की अनुमति देना, फिर उपवास किया है लेकिन मन में आहार की अभिलाषा करना, फिर कौन पारणा कराएगा, कहाँ पारणा होगी, इस प्रकार का चिंतन करना, ये उपवास में अतिचार कहलाते हैं। आहारक और अनाहारक क्या होते हैं? शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया जाता है वो आहारक कहलाता है। हम प्रत्येक समय में वर्णाओं को ग्रहण करते हैं, वैसे तो रात्रि के समय में कोई आहार नहीं करता, लेकिन रात्रि के समय में भी हमारी जो शरीर है उसकी संरचना के माध्यम से पुद्गल वर्णाओं का ग्रहण चलता रहता है। अनाहारक कब होते हैं? अनाहारक जीव केवल विग्रह गति में होता है, जिस समय में मोड़ा लेता है उसी समय में वो अनाहारक होता है। यदि सीधा गति से ऋजु गति से कोई जीव उत्पन्न हो रहा है तो वो वहाँ पर अनाहारक नहीं होता, वो आहारक ही रहता है। यदि वो मोड़े लेता है तो उस समय में एक समय दो समय तीन समय के लिए अनाहारक होता है, इसीलिए तत्वा सूत्र का सूत्र है एकम दो त्रीन व नाहारक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई जीव यहाँ है और उसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो जीव की जो गति होती है वह अनुश्रेणी गति है, केवल श्रेणी के अनुसार गति होती है, तो वो ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा। तो जब यदि वो एक मोड़ा लेता है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक वो अनाहारक रहेगा, और जैसे ही वो सीधी दिशा में पहुँचेगा वो रास्ते से ही अपने शरीर के लिए वर्णाएँ ग्रहण करने लगता है। आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तक में कहा है कि जब कोई तीर को छोड़ा जाता है, गर्म करके तीर को छोड़ा, तो रास्ते से ही जैसे वो ठंडक को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीव जब सीधी दिशा में होता है तो अपने योगी वर्णाओं को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से अनाहारक बहुत कम समय के लिए होता है, या जब 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं तो उस समय जितने समय तक 14वें गुणस्थान में रहता है तब भी वो अनाहारक रहता है। वैसे संसारी जीव जो है 3 समय से ज़्यादा अनाहारक नहीं रहता। अगला प्रश्न है कि शांतिनाथ भगवान के पूर्व भवों को बतलाइए। शांतिनाथ भगवान के 12 भवों का वर्णन आगम में मिलता है, उसमें सबसे पहले उनकी शुरुआत, धर्म की शुरुआत उनकी श्रीषण राजा के भव से हुई थी, जिसका वर्णन आचार्य सम्बद्ध स्वामी ने दान के
क्षेत्र में की है कि शीर्षेण दशर सेने, उसमें शीर्षेण नाम के राजा थे, उन्होंने दान दे करके, श्रद्धा नहीं थी लेकिन फिर भी उस समय में उन्होंने दान दिया और उसके माध्यम से उन्होंने भोग भूमि को प्राप्त किया। फिर भोग भूमि से जीव स्वर्ग ही जाते हैं तो वो श्री प्रभ नाम के देव सौधर्म कल्प में बने। वहाँ से आने के बाद में अमित तेज नाम के राजपुत्र तपस्या करके 13वें स्वर्ग में रविचूल नाम के देव बने। वहाँ से आने के बाद में अपराजित नाम के राजपुत्र जो कि बलभद्र थे, यानी शांतिनाथ भगवान ने इस भव में भी तीन तीन पदों को प्राप्त किया और पूर्व में भी उन्होंने कई मुख्य पदों को प्राप्त किया। तो सबसे ज़्यादा बाह्य विभूतियों से युक्त शांतिनाथ भगवान उस समय में बलभद्र थे, फिर बाद में तपस्या करके वहाँ से अच्युत इंद्र बने, फिर वहाँ से आने के बाद में वज्रायुध नाम के चक्रवर्ती बने। इस भव में तो चक्रवर्ती थे, पूर्व भव में भी उन्होंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया था और उस भव में उन्होंने तपस्या करके 1 बरस तक वहाँ पर खड़गासन, जैसे बाहुबली भगवान ने साधना की है ऐसी उन्होंने साधना की और इसलिए उनको द्वितीय बाहुबली के रूप में भी कहा जाता है। फिर वहाँ से तपस्या करके वो अधोग्रीवेक में अहमेंद्र हुए, फिर वहाँ से आने के बाद में मेघर नाम के राजपुत्र हुए और उस भूमि में उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, सर्वार सिद्धि गए और वहाँ से आने के बाद में वो शांतिनाथ भगवान के रूप में उत्पन्न हुए। इसलिए बहुत बाह्य विभूतियों से युक्त शांतिनाथ भगवान और जिनके बाद में फिर कभी धर्म तीर्थ का अभाव नहीं हुआ, इसलिए शांतिनाथ भगवान को आद्य तीर्थंकर के रूप में भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनस्तमी व्रत क्या होता है? सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन नहीं करना तो कई लोगों का नियम रहता है, लेकिन अनस्तमी व्रत के बारे में कि सूर्योदय होने के 2 घड़ी के बाद में, यानी 2 घड़ी तक भोजन नहीं करना और सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पूर्व में भोजन चारों प्रकार का जो रहता है उसका त्याग करना, ये अनस्तमी व्रत कहलाता है और इसमें त्रिकाल महामंत्र की जाप की जाती है। ये व्रत जो है यानी सही तरह से पालन करना है, यदि रात्रि भोजन का त्याग तो सूर्योदय के 2 घड़ी के बाद में और सूर्यास्त होने के 2 घड़ी पहले ही आहार का त्याग कर देना चाहिए। भगवान महावीर के तीर्थ में 10 ऐसे मुनियों के नाम जो अनुत्तर में उत्पन्न हुए, उसमें ऋषिदास, एक धन्य कुमार, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनंद, नंदन, शालीभद्र, अभय कुमार, वारिषेण और चलाक पुत्र, ये अनुत्तरों में उत्पन्न हुए हैं भगवान महावीर के तीर्थ में। अगला प्रश्न है कि अभाव कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है? एक होता है प्राग भाव। प्राग भाव का अर्थ होता है कि भविष्य की जो पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है, जैसे मिट्टी है उसमें भविष्य की पर्याय घट जो उत्पन्न होने वाली है उसका अभाव है, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय रहेगी, ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ही घट की पर्याय बनी हुई है, तो ये कहलाता है प्राग भाव। या जैसे दही का दूध में अभाव, दूध चल करके आगे दही बनेगा लेकिन दूध में दही नहीं है, कहने में कह देते हैं कि दूध में ही घी है लेकिन जिस प्रक्रिया के माध्यम से घी प्राप्त होता है, जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब बीरबल ने अपने नाती को भेजा राजा के सामने तो वो दूध लेकर के और दूध को खोजने लगता है, वो कहता है क्या कर रहे हो, तो कहते मैं दूध में घी खोज रहा हूँ, तो कहते दूध में घी कहाँ से मिलता है, तो कहले इसी प्रकार से जैसे दूध में से घी को प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा बनने का भी तरीका होता है, तो ये प्राग भाव कहलाता है। दूसरा होता है प्रध्वंसा भाव, भूत की पर्याय का वर्तमान में अभाव, यानी दही का घी में अभाव, जब घी बन गया है तो उसमें दही नहीं रह सकता, इसी प्रकार से खप्पर में घट का अभाव, आगे की पर्याय उसकी घट फूट गया है, खप्पर बन गए हैं उसमें घट नहीं है, घट का अभाव हो चुका है, यानी पूर्व की पर्याय का अभाव हो चुका है।
एक होता है अन्योन्य अभाव, उसमें पुद्गल की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव रहता है, जैसे एक उंगली है उसकी दूसरी उंगली में उसका अभाव होना। फिर एक होता है अत्यंत अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक शरीर का दूसरे शरीर में अभाव जो है, या एक आत्मा का दूसरी आत्मा में अभाव, एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अभाव, ये अत्यंत अभाव कहलाता है। अब इनकी उपयोगिता क्या है, तो उसमें यदि प्रागभाव ना माना जाए तो घटपट आदि अनादि हो जाएंगे, यानी मिट्टी ही घट हो जाएगी, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, अनादि है ना, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, घट की उत्पत्ति होती है लेकिन चूंकि मिट्टी में आगे की पर्याय वहां पर पहले ही से उपस्थित है, तो इसका मतलब है घटपट आदि अनादि हो जाएंगे। फिर यदि प्रध्वंस भाव नहीं माना जाए तो उसमें घटपट आदि कार्य अनंत हो जाएंगे, क्योंकि खप्पर ही घट हो जाएगा, वो फूटे ही नहीं, घट फूटने के बाद में खप्पर बनता है लेकिन उसमें पूर्व की पर्याय बनी हुई है, तो खप्पर होने के बाद में भी घट है, इसका मतलब है कि ये घटपट आदि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अविनाशी हो जाएंगे। इसी प्रकार से अन्योन्य भाव नहीं मानेंगे तो वर्तमान का जो व्यवहार चलता है वो नहीं चल पाएगा, उसमें जैसे कोई व्यक्ति रुपए की गिड्डी में से एक नोट उठाएगा सारे नोट एक साथ में चले जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई भेद ही नहीं है, एक कोई कार्य करेगा तो उसमें जैसे वहां पर कोई एक फल तोड़ेगा तो सारे फल टूट जाएंगे, तो इस प्रकार से वहां पर अन्योन्य भाव को नहीं मानने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे, और अत्यंत भाव नहीं मानेंगे तो द्रव्यों की जो द्रव्यता है वो भी कायम नहीं रह पाएगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप में परिणत हो जाएगा, जीव और कर्म अनादिकाल से साथ साथ में रहने के बाद में कभी भी कर्म जीव नहीं हुआ, जीव कभी कर्म के रूप में नहीं हुआ, लेकिन अत्यंत भाव नहीं मानेंगे तो उसमें सारी व्यवस्था जीव जो है वो जड़त्व को प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य अमृतचंद जी का परिचय दीजिए। आचार्य अमृतचंद जी एक अध्यात्मनिष्ठ आचार्य हुए हैं 10वीं शताब्दी में, इन्होंने कई टीका ग्रंथ लिखे हैं, कुछ स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं, उसमें आचार्य कुंदकुंद के समय सार पर इन्होंने आत्मख्याति नाम की बड़ी प्रांजल टीका लिखी है, और जिसके कलश भी अति प्रसिद्ध हुए हैं, जो कि अलग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी परम अध्यात्म तरणी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने प्रवचन सार पर तत्व दीपिका टीका लिखी, पंचास्तिकाएं पर इन्होंने तत्व प्रदीप का टीका लिखी। इनका एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है जिसमें श्राकाचार का वर्णन है और जिसमें अहिंसा का बहुत विस्तार से और बहुत ही मार्मिक वर्णन उन्होंने इसमें किया है। इस प्रकार से और एक इनकी तत्वार सूत्र के ऊपर, उसको तत्वार सूत्र को आत्मसात करती हुई तत्वार सार नाम की टीका है, और 24 भगवान की इन्होंने आध्यात्मिक स्तुति लघु तत्व स्फोट के रूप में लिखी। एक एक भगवान के उन्होंने 25-25 काव्य लिख करके 625 काव्य में आध्यात्मिक स्तुति लघु तत्व स्फोट में की। अगला प्रश्न है कि अयोध्या के और भी क्या नाम है, अयोध्या के कई नाम आते हैं, वैसे अयोध्या का अर्थ जो होता है जो अर्भिम युद्धम ना शक्य, शत्रुओं के द्वारा जो जीती ना जा सके उसको अयोध्या कहते हैं, शत्रुओं के द्वारा जिस पर आक्रमण ना हो। फिर एक नाम आता है इसका साकेत, अच्छे अच्छे भवनों से जो युक्त है उसका नाम साकेत भी कहलाता है। फिर सुकौशला भी एक नाम आता है, कौशल देश की, कौशल देश में होने से इसको सुकौशला भी कहते हैं, और इसका एक नाम विनीता भी है। इसमें नम्र व्यक्तियों की प्रचुरता होने के कारण में इसको विनीता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन से ज्ञान हैं जिनके बिना भी मोक्ष हो सकता है, तो इसके बारे में कि अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान ऐसे तो ज्ञान होते हैं जिनकी मोक्ष जाने के लिए आवश्यकता नहीं होती, यानी केवल मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है,
इसमें इन दोनों ज्ञानों की, वैसे मुनिराजों को वहां पर केवल ज्ञान भी एक रिद्धि के रूप में, केवल ज्ञान की रिद्धि के पहले पहले अवधि ज्ञान और मनः प्रेय ज्ञान भी कई मुनिराजों को हो जाते हैं। कई मुनिराजों को अवधि ज्ञान भी हो जाता है लेकिन मनः प्रेय ज्ञान नहीं होता, कई लोगों को मनः प्रेय ज्ञान हो जाता है लेकिन अवधि ज्ञान नहीं होता, कई कई मुनिराजों को चारों ज्ञान पहले हो जाते हैं बाद में केवल ज्ञान होता है। लेकिन आवश्यकता मति और शुद्ध ज्ञान की मुख्यता से है, अवधि ज्ञान और मनः प्रेय ज्ञान आवश्यक नहीं है मुक्ति के लिए। अगला प्रश्न है कि अवधि ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है। इसमें जैसे मोबाइल होता है, आप उसका प्रयोग करते हैं, स्विच आदि दबाते हैं, तो अवधि ज्ञान के लिए जहाँ पर तीर्थंकर नारकी और देवों के लिए तो सर्वांग से, उनके लिए वो कहीं पर भी उसको जो है ध्यान दें और उसके माध्यम से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन मनुष्यों त्रयंचों को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है उनके नाभि के ऊपर कुछ विशिष्ट जो है चिन्ह उभर आते हैं जिन पर ध्यान देने से वो अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है। उसमें वो शंख हो सकता है, कमल हो सकता है, स्वस्तिक हो सकता है, श्री वत्स का चिन्ह है, ध्वज है, कलश है, नंद्यावर्त है, फल आदि। और विभंग यानी जो रहते हैं यानी मिथ्या ज्ञान के साथ में जो अवधि ज्ञान होता है वो नाभि के नीचे वहां पर कुछ अशुभ चिन्ह गिरगिट आदि रहते हैं उनके माध्यम से वो उत्पन्न होता है। तो इसमें जैसे कोई मिथ्या दृष्टि था, यदि वो सम्यक को प्राप्त कर ले तो उसकी नाभि के जो नीचे अशुभ चिन्ह थे वो नाभि के ऊपर शुभ चिन्ह के रूप में परिणत हो जाएंगे। इसी प्रकार से विपरीत स्थिति भी बन सकती है। अगला प्रश्न है कि अष्टानिका व्रत की विधि क्या है। इस व्रत की कई मर्यादाएं बताई गई हैं। एक होता है 51 बार करना, मतलब 17 बरस तक इसका पालन करना। एक होता है 24 बार करना यानी 8 बरस तक। फिर कोई 5 बरस भी करते हैं तो उसमें 15 बार हो जाता है तीनों शाखाओं में। कोई 3 बरस करते हैं तो तीनों शाखाओं के अपेक्षा से 9 बार हो जाता है। कोई 1 बरस तक करते हैं तो उसमें तीनों शाखाओं के करके इस प्रकार से। इसमें 3 प्रकार की विधियों के बारे में बताया गया है। एक उत्कृष्ट में 8 दिन के उपवास करके, जैसे दशरथ के बारे में आता है कि उन्होंने अष्टानिका में उपवास करने के बाद में फिर बड़े महोत्सव के रूप में उस पर अभिषेक आदि करते हैं, तो वो 8 दिन के उपवास के साथ में भी करते हैं। मध्यम में वहां पर सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, नवमी को पारणा, दसवीं को वहां पर अल्पाहार लेकर के, 11 को वहां पर फिर अल्पाहार लेकर के, 12 को पूर्ण भोजन, 13 को नीरस भोजन, फिर 14 को वहां पर अल्पाहार और फिर 15 को उपवास। इस प्रकार से परमा को पारणा करके ये मध्य विधि है। जगन्य विधि में शील के पालन के साथ में धर्मदान सहित मंदिर में निवास करना, मौन सहित भोजन करना और त्रिकाल जाप भी वहां पर बताई है। उन जापों का अलग अलग जो है जापें बताई गई हैं उनका भी जाप करके अष्टानी का व्रत का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रुत के पठन में क्या क्या अतिचार लग सकते हैं, उनसे हमें बचने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम कुछ पढ़ते हैं श्रुत का आलम्बन लेते हैं तो शास्त्र का पठन करते समय द्रव्य की शुद्धि यानी अपने स्नान आदि के बाद में उसका पठन करना चाहिए। तो ये द्रव्य शुद्धि हुई, जिस क्षेत्र पर पढ़ रहे हैं उस क्षेत्र की भी शुद्धि का ध्यान रखना, ये क्षेत्र शुद्धि हो गई। काल शुद्धि के बारे में, जिस समय में ध्यान का काल हो उस समय में जो सिद्धांत आदि ग्रंथ होते हैं, सूत्र ग्रंथ आदि होते हैं उनका उनके पढ़ने से बचना चाहिए। और इसमें काल शुद्धि की अपेक्षा से ये भी देखें, ऐसा ना हो कि हम भगवान की आराधना दान आदि आहार दान आदि को छोड़कर के केवल स्वाध्याय स्वाध्याय में लगे रहे तो वो भी काल की शुद्धि नहीं मानी जाएगी। और भाव की शुद्धि वहां पर राग द्वेष आदि के तीव्र भावों के साथ में भी स्वाध जो है स्वाध्याय वर्जित होता है। इस प्रकार से भाव की शुद्धि के साथ में पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आनुपूर्वी क्या होता है। आनुपूर्वी के
दो अर्थ होते हैं। एक अनुपूर्वी का अर्थ होता है कि जो कोई पाठ करते हैं उसमें जैसा क्रम में दिया है उस प्रकार से पढ़ना। जैसे नमोकार मंत्र में नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहणम, नमो जैनम, नमो लोय सब सवणम पढ़ना, ये पूर्वानुपूर्वी हो गया अनुपूर्वी क्रम से। इसको अपन पश्चात रूप से भी पढ़ सकते हैं। जाप करते समय में यदि कोई पश्चातानुपूर्वी या यत्रतत्रानुपूर्वी पढ़ने का प्रयास करे तो उसमें बहुत जागृति रहती है। तो इस प्रकार से यदि पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने में निषेध नहीं है, उसमें और ज्यादा एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। फिर इसका दूसरा अर्थ होता है, एक आनुपूर्वी नाम का नाम कर्म भी है, उसका अर्थ होता है पूर्व शरीर आकार अविनाशो आनुपूर्वी नाम। तो उसमें जब कोई जीव मरण को प्राप्त होता है और नई गति में जाता है तो उस समय में उसकी आत्मा का जो आकार रहता है, जो पूर्व शरीर के आकार का ही बना रहता है, वो आनुपूर्वी कहलाता है। इसके लिए अपने उदाहरण के रूप में देखें, जैसे कोई मनुष्य त्रिंच मर करके देव बना, क्योंकि देव मर करके देव में उत्पन्न नहीं होते, नारकी भी मर करके देव में उत्पन्न नहीं होते, तो कोई मनुष्य त्रिंच मर करके देव बना तो क्या होगा उसका? जब यहां से उसका शरीर आत्मा छोड़ेगी तो उसकी आत्मा का आकार वही रहेगा जो उसका पूर्व का आकार था, यानी वो त्रिंच के आकार में। जैसे कोई गाय मर करके स्वर्ग जा रही है तो वो गाय के आकार में उसकी आत्मा रहेगी, या कोई मनुष्य मर करके देव बन रहा है तो मनुष्य के आकार में उसकी आत्मा रहेगी। फिर वो आत्मा स्वर्ग की ओर जाएगी और वहां पर जो उत्पाद शैया है वहां पर वो देव के रूप में परिणत होगी। तो उस समय में, उस समय तक उस आत्मा का आकार पूर्व के शरीर का बना रहे, वो आनुपूर्वी का कारण। फिर उसके बाद में वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें ऐसा लगता है कई बार कि जैसे देव गत्यानुपूर्वी है, अब उसमें ऐसा लगता है कि देव के शरीर का आकार होना चाहिए, लेकिन नहीं, देव के लिए जा रहा है लेकिन उसमें पूर्व के शरीर का आकार रहेगा। इसको उदाहरण के रूप में, जैसे कोई जेल में कैदी रहता है तो जेल पहुंचने के पहले उसको जहां कहीं से भी उसको लिया गया है वहां पर वो उन्हीं वस्त्रों में जाएगा। जेल में पहुंचने के बाद में उसको फिर वहां पर जेल के वस्त्र दिए जाते हैं। इस प्रकार से भी यहाँ पर हम इसको समझ सकते। अगला प्रश्न है कि रावण क्या राक्षस था या कोई बेहतर जाति का देव था? दूसरा जो है, हनुमान के लिए वानर कहते हैं, क्या ये ठीक? इनका प्रश्न इस दृष्टि से है क्योंकि जिस प्रकार से टेलीविजन आदि पर रामायण महाभारत आदि देखते हैं तो उसमें उनको जो दिखाया जाता है वो वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में जैन शास्त्रों की दृष्टि से अपन देखें तो रावण राक्षस नहीं था, वो विद्याधर था। उसमें अजितनाथ भगवान के शासन काल में एक मेघवाहन नाम का विद्याधर था और वो युद्ध करके भाग करके जाता है और अजितनाथ भगवान के सम्मुख में अपनी रक्षा के लिए प्रवेश कर जाता है। और उस समय में उसका जो शत्रु राजा भी था पीछे पीछे आता है, लेकिन सम्मुख का ऐसा प्रभाव रहता है कि वो भूल जाता है कि हम क्यों आए। मंदिर का ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि मंदिर में आने के बाद में कोई भी शत्रु नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैसे दृष्टि किसी पर नहीं जानी चाहिए, दृष्टि तो भगवान के ऊपर होना चाहिए। तो बस यही हुआ, भगवान की आराधना में लीन हो गया और ऐसी दीनता को प्राप्त किया कि उसकी भक्ति को देख करके जो राक्षसों के इंद्र भीम सुनील थे उन्होंने उसके लिए, कि अभी इसका राज्य तो छूट चुका है, और उन्होंने उसके लिए रक्षा के लिए राक्षस द्वीप में एक लंका का राज्य दिया। आगे चल करके उसी के वंशजों में एक राक्षस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, वो बड़ा प्रभावशाली था, तो उसके बाद से फिर वो राक्षस वंश के रूप में ही जाना जाने लगा। तो उसमें रावण की आगे उत्पत्ति हुई, इसलिए वो रावण राक्षस वंश में उत्पन्न होने के कारण, वैसे विद्याधर था लेकिन राक्षस वंश में उत्पन्न होने के कारण में उसको राक्षस कहा जाता है। दूसरा, वानर वंश में जहां पर राक्षस वंशी राजा जो थे कीर्तिध्वज, उनके पास में उनका जो साला था वो श्रीकंठ नाम का साला एक बार आया और उसका उन्होंने विवाह करवा दिया। विवाह करवाने के बाद में उससे
वहां पर तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, तो तुम ऐसा करो यहीं पर कोई दीप में बस जाओ। तो उसको एक दीप दिया जिस पर उसने अपनी नगरी का वहां पर बसाया और उसका नाम उसने किष्कुपुर रखा। वहां पर बहुत सारे बानर थे और उन बानरों को वो लोग वहां पर अच्छी तरह से उनको सम्मान आदि देते थे। आगे चल करके एक राजा ने उनको बानरों के चिन्ह को अपने मुकुट में और ध्वज में स्थान दे दिया, तब से वो बानर वंश कहलाने लगा था। इसी में आगे चल करके हनुमान आदि की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि इस्वाकार पर्वत कहाँ है और कितने हैं। इस्वाकार पर्वत आप लोग मंगलाष्टक में पढ़ते हैं, इस्वाकार गिरौ च कुंडल नरेश। तो ये इस्वाकार पर्वत चार होते हैं, ये धातकी खंड और पुष्करार्ध में दो दो हैं। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर ये निशान बना है गोली गोल का, तो इसे बीच में अपन समझ लें कि ये जम्बूद्वीप है। अब इसके बाद में यदि अपन एक और गोला खींचें इससे बड़ा, तो वो गोला हो जाएगा समुद्र का, लवण समुद्र का। उसके बाद में अपन अगला गोला खींचें तो वो बीच की जो रिंग है वो हो जाएगी धातकी खंड की। उसके बाद में फिर कालोदी नाम का समुद्र, और उसके बाद में पुष्कर और द्वीप, जिसके बीचों बीच में मानुषोत्तर पर्वत होने के कारण में वो आधा जो है वहां पर पुष्करार्ध कहलाता है। अब इस रिंग में ये बीच का जो क्षेत्र है थाली वाला, इसमें केवल एक मेरु है, जो धातकी खंड है उसमें दो मेरु है। तो जैसी रचना यहाँ पर एक मेरु के साथ में, ऐसी दो रचनाएं वहां पर धातकी खंड में और पुष्करार्ध में है। इसलिए सूत्र में आता है तत्काल सूत्र में द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्थे च। तो दो मेरु के कारण में वहां पर दोनी रचना हो जाती है। अब इनमें क्या होता है, इनको दो भाग में बांटने के लिए उत्तर में और दक्षिण में दो पर्वत हैं, उनका नाम है इस्वाकार पर्वत। तो उन पर्वतों को वहां पर, उन पर्वतों के ऊपर शासक जनाले भी हैं, उनको नमन करते हुए ये अपन इस्वाकार पर्वतों पर जो शासक जनाले हैं उनकी भी यहाँ पर वंदना कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 56 कुमारियां कौन होती हैं। 56 कुमारियां, ऐसे कुमारी शब्द उनके साथ में कहते हैं, क्योंकि वो माता के साथ में जो प्रश्न करके उनकी सेवा करके उनका मन आह्लाद से भर देती, तो कुमारियों जैसा उनका जीवन उस समय में दिखने में आता है, इसलिए वो कहलाती हैं। वास्तव में वो देवों की इंद्राणियां आदि होती हैं। तो कल्पवासी देवों की 12 इंद्राणियां होती हैं, भवनवासियों की 20, बेंतर देवों की 16 और ज्योतिष की 2, और 6 कुलाचल पर्वतों से आती हैं। ऐसी 56 जो हैं कुमारियों के रूप में वहां पर सेवा करने वाली होती हैं। अब एक प्रश्न किसी वृद्धा ने अपनी चूड़ी शिखर पर कलश चढ़ाने के लिए दी थी, और जब वो वहां से निकलने लगी तो उसकी बहू ने उसके हाथ से वो छुड़ा ली कि अभी हमारे घर में हिस्सा बांटा नहीं हुआ है, अब हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाए और वो उसको उसने छीन लिया, अब इसका दोष क्या हमको लगेगा। किसी के घर में बैठने के लिए गई होगी और कोई वृद्धा वहां पर मरण के निकट होगी, तो उसने सोचा कि अपना कुछ दान कर ले, तो उसने अंगूठ जो है कंगन उतार करके, चूड़ी उतार करके सोने की उसको दे दी। उसको भरोसा होगा कि ये तो पहुंचा देगी, घर वाले तो कुछ देंगे नहीं। अब वो वहां से जब निकली तो किसी ने उसका देख लिया होगा, बहू ने उसकी, और उसके हाथ से वो वहां पर छुड़ा दी। दान देते हुए वहां पर वो उसने जिसमें विघ्न कर दिया, अब उसके माध्यम से जिसको दिया गया था वैसे उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके घर में ही थे, वहां से निकल करके आना और वहां पर उसने छुड़ा ली, तो उसमें इतनी जो है दोषप्रद बात उसकी दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन जो सामने जिसने किया है वो बहुत ही बड़ा, एक प्रकार से कहना चाहिए कि पाप कार्य हो गया है। दान के क्षेत्र में जहाँ दान के लिए दिया जाता है बोला जाता है, उसको
पूरी पूरी तरह से दे देना चाहिए, उसमें बीच में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग आता है हरिवंश पुराण में, जिसमें कि एक सुरेंद्रत नाम का जो सेठ रहता है, वो 12 वर्षों के लिए विदेश में धन अर्जन करने के लिए जाता है, और उस समय में वो अपने एक मित्र को कि हम तो जा रहे हैं 12 साल के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर जिनालय में पूजा करते रहना। तो उसके लिए 12 वर्ष के लिए बहुत सारे धन को दे करके गया कि तुम हमारी अष्टमी को, चौदस को शांति धारा कर लिया करो, पूजा कर लिया करो, ऐसे ऐसे बहुत सारे धन को दे करके गया। और उसका मित्र को जब बहुत सारा धन मिला और उसने उस धन का प्रयोग मंदिर में ना करके अपने व्यसनों में करने लगा, और पूरे जीवन में उसने व्यसनों के माध्यम से ऐसा पाप कमाया कि वो मर करके सप्तम नरक में गया, फिर सप्तम नरक से निकल करके त्रियांश, और फिर जो है नरक, ऐसी कई पर्यायों में निंदनीय पर्यायों को भटक करके बाद में जाकर के वो हस्तिनापुर में एक विप्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वहां पर भी उसके माता पिता का देहांत हो गया, और आगे चल करके उसको एक साधु के दर्शन हुए, उनकी शरण में वो समा गया। वहां पर बहुत वर्ष तपस्या करने के बाद में फिर वो स्वर्ग गया, और स्वर्ग से आने के बाद में फिर जो नवीना भगवान के पूर्वजों के रूप में वहां पर जो था वो वहां पर वो उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति होती है, इसलिए दान के मामले में यदि कोई दान करता है या कोई किसी चीज को कोई दे करके जाता है कि इसको दान कर देना हमारी तरफ से, तो उसमें वो निर्माण हो जाता है, उसका कभी भी जो है उपभोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। अब चलिए हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, सभी लोग ध्यान की मुद्रा को प्राप्त कर लें। आज अपन नमो अरिहंताणम का ध्यान करेंगे। नमो अरिहंताणम में 7 अक्षर हैं, और उन 7 अक्षरों को अपन अपने शरीर के अंदर जो चक्र हैं उनके ऊपर उनको स्थापित करके ध्यान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जहां पर रीढ़ की हड्डी नीचे समाप्त तो होती है, नाभि के 4 अंगुल नीचे, वो स्थान मूल चक्र कहलाता है। उस पर अपने को नाभ को देखना है, सफेद रंग में चमकता हुआ अपने शरीर के बीचों बीच ना अक्षर को। फिर इसके बाद में मुंह को नाभि के ऊपर, ये भी सफेद रंग में चमक रहा है। आपको अपने हृदय चक्र पर, री को अपने कंठ चक्र पर, हमको अपने मुख के बीच में, और ता को आज्ञा चक्र अपनी दोनों भौहों के बीच में अंदर जाकर के शरीर के पूरे मन, जैसे जो दीवार बनाते हैं उस समय में एक रस्सी डाल करके जैसे करते हैं, ऐसे अपने शरीर के अंदर बीच में अपन ऊपर से नीचे तक देखे तो एक लाइन में वहां पर ये 7 जगह पर अपन इन अक्षरों को लिख रहे हैं। तो बीचों बीच में वहां पर ता अपने आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच में अंदर जा करके वहां पर ता, और सबसे ऊपर जो सहस्रार चक्र है सिर का सबसे ऊपरी भाग, उस पर नाम, ऐसे नमो अरिहंताणम को 7 जगह पर सफेद रंग से चमकता हुआ देखें। अब अपन इस मंत्र का आराधना करके नमो अरिहंताणम 8,98,502 केवली इस धरा पर सतत विचरण करते हैं, उनकी ऊर्जा को अपन इस नमोकार मंत्र के प्रथम पद से आह्वान करेंगे। उस मंत्र के एक एक स्थान को अपन छूते हुए इस नमो अरिहंताणम का जाप करेंगे। सबसे पहले मूल चक्र पर अपन लिखा है नाम, तो अपन पहले उसी का उच्चारण करते हैं। एकाक्षरी भी मंत्र होते हैं, एक अक्षर का भी उच्चारण मंत्र कहलाता है। तो उधर देखें अपने मूल चक्र के ऊपर सफेद रंग में चमक रहा है नाम, उस नाम को देखते हुए अब बीच में अपने नाभि के पास में मोह है, वो भी सफेद रंग से चमक रहा है। अब आ है अपने हृदय चक्र पर, उसको भी साथ में लेते हुए नमो नम।
सबसे ऊपर लिखा है। अब उन सातों अक्षरों को, सातों चक्रों को छूते हुए पूरे नमोकार के प्रथम पद को अपन बार बार उन चक्रों को छूते हुए ऊपर से नीचे नमोरी हिंताणम सफेद रंग में चमकते हुए इस मंत्र को देखते हुए पाठ करेंगे। सफेद रंग में नमो और हिंताड़म का ध्यान करने से अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। शरीर में जो WBC जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिनकी कमी होती है तो उनकी पूर्ति हो जाती है। उनका सही तरह से अपने शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य है वो वृद्धिंगत होता है। पुनः अपने उन सातों चक्रों पर नमो और हिंताड़म को देखते हुए नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। पुनः उन चक्रों को एक बार फिर से देखें। ना को अपन ने लिखा था मूल चक्र पर नाभि के चार अंगुल नीचे, मो को नाभि के ऊपर, आ को हृदय पर, री को कंठ पर, हम को मुख के अंदर, ता को अपने आज्ञा चक्र पर, सबसे ऊपर सहस्रार चक्र पर नाम नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। 898,502 केवली जो शासक संख्या है, जब कोई केवली निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो उस समय कोई ना कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी शासक संख्या, ऐसे केवलियों की ऊर्जा आपने इस मंत्र के माध्यम से आह्वान की वो बरस रही है। उसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अरिहंतों की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया सारे संसार को क्लेश भावना से, उस ऊर्जा को पूरे लोक में जो अंधकार है वो उस नमो अरिहंताणं के सफेद प्रकाश से पूरा संसार का अंधकार मिट रहा है। सारे जीव अपने अपने रोगों से, दुखों से, शोकों से मुक्त हो रहे हैं। इसी भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पुनः अपने चक्रों को देखते हुए ना मूल चक्र पर, मो नाभि पर, आ अपने हृदय पर, री कंठ पर, हम मुख पर, ता आज्ञा चक्र पर, नम सबसे ऊपर, ऐसे नमो हिंताणं ऊपर की ओर सफेद रंग में देखते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नामहीन रहे और प्रमाद कषाय के वशन सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे दे।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण।